बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फिज़िक्स ऑनलाइन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 जो पढ़ रहे थे उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, जो प्रॉब्लम गिवन है, उसमें हमारे पास एक प्रोटीन पार्टिकल है जिसका जिसकी डेंसिटी जो है वो गिवन है, दैट इज़ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और वो फॉल कर रहे किस में से, एक फ्लूइड में से जो वाटर है जिसकी विस्कोसिटी भी गिवन है, दैट इज़ 8.0 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड विद टर्मिनल स्पीड। अब उसके फॉल करने की जो टर्मिनल स्पीड है दैट इज़ 3.0 सेंटीमीटर पर आवर। आपसे जो रिक्वायर है कि आप उस प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है उसका रेडियस कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखा जिसमें हमारे पास डेंसिटी है, दैट इज़ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, विस्कोसिटी भी गिवन है और उस पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब कभी भी आप कैलकुलेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम जो है कि आपके पास जो भी क्वांटिटीज़ जिस यूनिट में गिवन है आप उसको ऐसे ही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में शिफ्ट करेंगे। तो ये देखिए सेंटीमीटर पर आवर, तो इस प्रीफिक्स को ख़त्म करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया और आवर्स को सेकंड्स में शिफ्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया दैट इज़ 8.33 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। और नेक्स्ट क्या है जो हमें फाइंड करना है, दैट इज़ रेडियस ऑफ द पार्टिकल। अब अगर ये हमारे पास एक पार्टिकल है और ये फॉल कर रहा है किसमें से, फ्लूइड में से, दैट इज़ वाटर, और इस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो आपने इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। अब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज़ 2r² g ρ/9η। अब ये एक्सप्रेशन हमने टर्मिनल वेलोसिटी वाले टॉपिक में इसको प्रूफ किया था। अब इसकी बात करें तो इससे हमें जो रिक्वायर है दैट इज़ रेडियस, तो ये 9η इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हुआ और 2ρ g जो नहीं चाहिए वो इधर आके डिवाइड हो गया। अब 9η जो है दैट इज़ 8.0 × 10⁻⁴ मीटर, टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज़ 8.33 × 10⁻⁶, 2g 9.8 और रॉ आपके पास 1246। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो आर स्केयर का एक्सप्रेशन आ गया दैट इज़ 2.46 × 10⁻½। उसके बाद हमने दोनों साइड्स पे स्केयर रूट किया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया दैट इज़ 1.567 × 10⁻⁶ मीटर। ये हमारे पास उस पार्टिकल का रेडियस आ चुका। अब आपने जो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन में जो बात याद रखनी है वो ये है कि ड्यूरिंग कैलकुलेशन जब हम कैलकुलेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट जो वो गलती कर लेते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं उनको डायरेक्ट डिवीजन के बाद डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन में आंसर गलत आता है। आपने क्या करना है कि जब भी डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी तो आप ब्रैकेट का यूज़ करते हुए उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ठीक आएगा जी। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज़ वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉज हुज इंटरनल डायमीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, मतलब किसी पाइप में से पानी गुजर रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर 1 सेंटीमीटर है एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब उस पाइप के, उस हॉज के आगे आपने एक नोजल अटैच की है जिसका डायमीटर जो है वो आपने मालूम करना है, जबकि उसमें से जो इजेक्ट हो रहा है वाटर फ्लूइड उसकी जो स्पीड है दैट इज़ 21 मीटर पर सेकेंड। गिवन डाटा की बात करें तो हमारे पास इंटरनल डायमीटर मौजूद है किसका, हॉज का, दैट इज़ d1 1 सेंटीमीटर। तो पहले जैसे मैंने बात की थी कि सबसे पहले आप इसको सिस्टम इंटरनेशनल में शिफ्ट करेंगे, तो मैंने प्रीफिक्स सेंटी जो है उसकी वैल्यू लगा दी 10⁻², तो ये मीटर्स में शिफ्ट हो गया। उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर है उस हॉज में से दैट इज़ v1 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह स्पीड ऑफ वाटर थ्रू नोजल दैट इज़ v2 दैट इज़ 21 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे जो रिक्वायर है वो उस नोज़ल का आप डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने पढ़ा था कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, यानी कि एरिया और स्पीड की जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहती है।
किसी भी फ्लूइड की जो किसी भी पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो वो आपके पास स्पीड और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे एरिया कम होगा, और जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्पीड कम होगी। तो इस एक्सप्रेशन की बात करें तो हमारे पास जो पाइप है दैट इज़ इन सर्कुलर फॉर्म, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास पाई आर वन स्क्वायर यानी कि हॉज वाली बात कर रहे हैं, वी वन उसमें से वाटर की स्पीड, पाई आर टू स्क्वायर यानी कि नोजल का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वी टू। अब रेडियस की बात करें तो हमारे पास रेडियस जो है वो होता है, तो रेडियस जो है दैट इज़ डी बाय टू, तो हमने आर की जगह डी बाय टू ऐड कर दिया दोनों साइड्स पे। उसके बाद पाई और पाई कैंसिल। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो डी टू थी, तो डी टू को सेपरेट करने के लिए फोर इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, वी टू मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हुआ, फोर और फोर कैंसिल आउट हो गए, तो डी टू स्केयर इज इक्वल टू डी वन स्केयर वी वन ओवर वी टू। अब यहाँ पे डी वन जो है दैट इज़ वन इंटू टेरेस टू पावर माइनस टू मीटर, और वी वन जो है दैट इज़ वन, वी टू जो है दैट इज़ 21 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डी टू का स्केयर जब हमें कैलकुलेशन के बाद मिला दैट इज़ 4.76 इंटू टेरेस टू माइनस सिक्स, तो हमें डी टू चाहिए था, तो दोनों साइड्स पे स्केयर रूट किया तो हमारे पास डी टू का आंसर जो आ गया दैट इज़ 2.18 इंटू टेरेस टू माइनस थ्री मीटर। और फिर मैंने एक पॉइंट शिफ्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे टेरेस को माइनस टू बच गया, तो माइनस टू दैट इज़ सेंटी, तो हमारे पास डायमीटर जो है नोजल का दैट इज़ 0.2 सेंटीमीटर। दैट इज़ आर रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी टू इज़ इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ आ चुके होंगे, तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।